नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। चाहे अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन करना हो या फिर दोस्तों के साथ शाम बितानी हो, बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को ये बात अच्छे से पता है कि कैसे हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। अनन्या भले ही बॉलीवुड में 3 फिल्में पुरानी हो, लेकिन उनकी अलमारी में डिजाइनर सामानों से भरी बकेट लिस्ट किसी बड़ी स्टनर से कम नहीं है। साल 2019 में अपने बॉलीवुड डेब्यू के बाद से ही अनन्या ने अपने फैशन स्टाइल से हर किसी को इम्प्रेस किया है। हालांकि वो बात अलग है कि एक फैशन फॉरवर्ड होने के बाद भी अनन्या को अपने कुछ लुक्स के लिए भद्दे कमेंट्स तक सुनने पड़े हैं। ऐसे में आज हम आपको दिखा रहे हैं अनन्या के वो लुक्स जिन्हें देख ट्रोलर्स ने कहा, वह दीदी का स्ट्रगल तो देखो। अनन्या पांडे उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी जब लोग उनके अजीबो गरीब फैशन को देखकर ये सोचने में मजबूर हो गई कि वह कैसी ड्रेस है। दरअसल अनन्या ने सिटी आउटिंग के लिए स्काई ब्लू कलर का स्पेगेटी टॉप और व्हाइट कपल का रिप प्लाजो पहना था, जिसके साथ उन्होंने पिंक कलर के स्लाइडर्स कैरी किए थे। यही नहीं, उनके लुक में एक्स्ट्रा ग्लैम जोड़ने के लिए अनन्या ने लुइस विटन का साइड हेबो बैग भी लिया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही इस लुक में अनन्या पांडे की तस्वीर सामने आई, लोगों ने उन्हें भिखारन कहकर ट्रोल कर दिया। यही नहीं, कुछ ट्रोलर्स ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया कि पूरा तो सिलने देती बहन। एले ब्यूटी अवार्ड्स 2019 में अपने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए अनन्या पांडे ने फेमस डिजाइनर प्रबल गुरांग की डिजाइनर की हुई ब्लैक मिनी ड्रेस को पहना था। इस ड्रेस के टॉप पर कुछ रफल्स बने हुए थे, जबकि स्कर्ट में ब्लैक झिलमिलाते सीक्वेंस का जोड़ा गया था। यही नहीं, बात करें अनन्या के ओवरऑल लुक की तो अभिनेत्री ने अपने बालों को ढीले कर्ल और सटल मेकअप के साथ स्मोकी आईज और स्टाइलिश दिखने वाली ऊंची एड़ी के जूते के साथ कंप्लीट किया। हालांकि इवेंट 9 के लिए अनन्या का ये लुक एकदम परफेक्ट था, लेकिन कुछ संस्कारी ट्रोलर्स को अनन्या का ये अवतार पसंद नहीं आया। उन्होंने अनन्या को ड्रेस तक संभालने की हिदायत दे दी। 65वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराने पहुंची अनन्या पांडे इस दौरान डायलन पैरेंटी के डिजाइन किए हुए येलो रिस्की स्टेपलेस ट्यूल गाउन में नजर आई थी, जिसे उन्होंने सॉफ्ट मेकअप के साथ हल्के कर्ल से स्टाइल किया था। हालांकि अनन्या का ये पहनावा बिल्कुल वैसा था जिसे कुछ दिन पहले जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण ने पहना था। यही नहीं, जैसे ही इस इवेंट की तस्वीर सामने आई, अनन्या पांडे की इस ड्रेस को ट्रोलर से लेकर फैशन पुलिस तक ने गंदी कॉपी कहकर ट्रोल किया। अनन्या को देखकर एक बात तो साफ है कि वे कभी भी अपने स्टाइल से समझौता नहीं करते, लेकिन न जाने ट्रोलर्स उन्हें के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। ऐसे ही एक बार हमें तब देखने को मिला जब अनन्या यूसुफ एल जासमी की डिजाइन की सीक्वेन मिनी ड्रेस में नजर आई। इस शॉर्ट मिनी ड्रेस में अनन्या की खूबसूरती देखते ही बन रही थी, लेकिन ट्रोलर्स ने उनके इस लुक की तुलना हॉलीवुड स्टार काइली जेनर से कर दी। यही नहीं, ट्रोलर्स ने अनन्या की काइली की कॉपी कैट बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।